हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द सक्सेस केंद्रा दोस्तों कुछ निजी कारणों के कारण मैं व्यस्त था पुनः मैं फिर से फ्रेश होकर के उत्साह और एनर्जी के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूं फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आई है आठ पोस्ट पर उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर फोर्टीन को आज कवर करने वाले हैं इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर वन से लेकर के थर्टीन तक को कवर कर लिया था अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए तो चलिए फ्रेंड्स बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा तो फ्रेंड्स आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले हम लोगों ने बिहार पुलिस कांस्टेबल में 2010 से लेकर के 2020 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियो में हमने कवर किया है हिस्ट्री के लिए अलग वीडियो में पोलिटिका अलग वीडियो में ज्योग्राफी का अलग वीडियो में हिंदी का अलग वीडियो में और साइंस का अलग वीडियो में अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ 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 देख लीजिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी वीडियोज हैं सभी का लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन शुरू करते हैं आंसर अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं पहला क्वेश्चन देखिए प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच लगभग कितनी दूरी होनी चाहिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पाँच सेकंड के अंदर में कोशिश कीजिए आप लोग आंसर देने का तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सत्रह मीटर की ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सत्रह मीटर की दूरी होनी चाहिए जो ध्वनि किसी दृढ़ दीवार पहाड़ गहरे कुएं आदि से टकराने के बाद सुनाई देती है उसे प्रतिध्वनि कहते हैं यानी कि इको कहा जाता है अंग्रेजी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अभिसरण का बिंदु यह वह बिंदु जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न होती प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं काफी अच्छा क्वेश्चन है तो राइट आंसर उसको फोकस कहा जाता है ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी फोकस कहा जाता है फोकस दूरी बराबर क्या होता है तो वक्रतर त्रिज्या बटा टू होता है आप सभी को पता होगा अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान से इसकी चालकता निर्धारित होती है निम्न प्रतिरोधकता वाली धातुए खाली स्थान दिया हुआ है सही आंसर आपको बताना है तो निम्न प्रतिरोधकता वाली धातुए सुचालक की भांति व्यवहार करती है सुचालक की भांति यानी कि गुड कंडक्टर की, की भांति तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ध्यान रखिएगा चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर आपको कमेंट करके बताना है किस तत्व में इसके बाह्यतम कोष में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन किस में होंगे बताइए राइट आंसर तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैल्शियम ठीक है कैल्शियम में होता है ध्यान रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है मिश्रित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि एन ए CO3 हो जाएगा उसके बाद इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अगर इसमें मिश्रित किया जाता है तो इसमें से कौन सी गैस निकलती है तो देखिए इसमें से जो निकलने वाला है वो NaCl होगा उसके बाद क्या होगा जल होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से निकलेगी ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका B करेक्ट आंसर हो जाएगा CO2 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रोनाउन द ट्रेन came to a halt by तो इसमें सही भरना है आपको प्रोनाउन सुटेबल प्रोनाउन तो राइट right आंसर हो जाएगा इट सेल्फ ठीक है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए ट्रेन जो है सिंगुलर नंबर है और न्यूटर जनरल है जेंडर है ठीक है तो इसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट सेल्फ का यूज हो, जा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीफिक्स प्रीफिक्स और सफिक्स आपको पता होगा फ्रेंड्स तो देखिए क्या है कि द इम्प्लॉज आर वर्किंग फिल इन द ब्लैंक्स है खाली स्थान है प्रेशर तो क्या होगा वर्क अंडर प्रेशर ठीक है अंडर प्रेशर का यूज होगा ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है और फ्रेंड्स आपसे मैं बता दूं कि हमारा जो दूसरा चैनल है मिनट जीके वहां भी डेली आपको एक सेट प्रोवाइड कराया जाएगा फाइव मिनट यहां मैं चैनल का नाम लिख देता हूं फाइव ये फाइव है मिनट जीके जी एस लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक है फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ट्रांसलेट द सेंटेंस इन टू इंग्लिश वह काफी ध्यानपूर्वक काम कर रहा है तो ही इज वर्किंग राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि चूज द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवेन बिलो लेट अस हेल्प हिम तो राइट right क्या हो जाएगा लेट ही बी हेल्प्ड लेट ही बी हेल्प्ड ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और फ्रेंड्स जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि 2010 से लेकर के 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक उनको सेपरेट वीडियो में हमने सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ है हिस्ट्री का अलग वीडियो में पोलिटिक का अलग वीडियो में जोग्राफी का अलग वीडियो में हिंदी का अलग वीडियो में और साइंस का अलग वीडियो में तो प्लीज फ्रेंड्स देख लीजिएगा देखिए प्रीवियस ईयर से प्रश्न रिपीट भी होते हैं चलिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल ऑफ वर्ब्स द टाइडिंग्स फिल इन द ब्लैंक्स है फॉल्स तो क्या हो जाएगा आर का इस्तेमाल होगा यहाँ क्या होगा आर का इस्तेमाल होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभय धर्मी ऑक्साइड बना सकती है उभय धर्मी ऑक्साइड कौन बना सकती है इसमें से जिंक बना सकती है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ध्यान रखिएगा काफी अच्छा क्वेश्चन है जरूर आप लोग इसको ध्यान रखिएगा उसके बाद नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थिएटर टट्टू एक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य है इसका मूल किस भारतीय राज्य में है तो थिएटर टू जो है इसका है जो है केरल में है कहां पे है केरल में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है कि पीत के कार्य को खाली स्थान है कहा जा सकता है तो पित्त के कार्य को पाइसीकरण कहा जा सकता है पित्त कहां से श्रावित होता है तो यकृत से लिबर से श्रावित होता है ध्यान रखिएगा पूछा जाता है कहां से श्रावित होता है लिबर से श्रावित होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीत का पी मान कितना होता है तो लगभग मैं बता रहा हूं सेवन पॉइंट सेवन होता है लगभग में ठीक है चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा पाइसीकरण अगला क्वेश्चन देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स है भारत का सबसे उत्तरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश है तो भारत का सबसे उत्तरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है क्लियर है जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है कब से तो इकतीस अक्टूबर दो से क्लियर सबसे पूर्वी राज्य अगर पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु क्लियर चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा उसके बाद देखिए कि यदि किसी वस्तु की गति का मान टी समय में यू से शुरू होकर अंत में भी में बदलता है तो त्वरण यानी कि एक्सलेशन क्या होगा तो आप सभी को पता है कि एक्सलेशन के लिए क्या हो जाएगा ए इक्वल टू भी माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा ठीक है तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भी माइनस यू यहां देखिए यू माइनस भी है ध्यान से पढ़ेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ठीक है त्वरण क्या होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि उन्मूलन का विलोम है हिंदी का क्वेश्चन है उन्मूलन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा फ्रेंड्स एक मिनट हाँ उन्मूलन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा तो देखिए फ्रेंड्स उन्मूलन का विलोम शब्द जो है ये क्या हो जाएगा मतलब इसका होता है उन्मूलन मतलब उखाड़ना उखाड़ फेंकना तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा रोपना रोपण ऑप्शन नंबर डी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के किस रचना में प्रसिद्ध थे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो थे ये किस रचना में प्रसिद्ध थे तो ध्यान रखिएगा इतिहासकार ऑप्शन नंबर हिंदी साहित्य का इतिहास ठीक है इतिहासकार ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा गेहूं और गुलाब किसकी रचना है देखिए फ्रेंड्स हिंदी के प्रश्न सारे के सारे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोज का मिल जाएगा तो गेहूं और गुलाब किसकी रचना है तो यह है राम वृक्ष बेनीपुरी जी की सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसके बाद है जहां कहीं एकता अखंडित जहां प्रेम का स्वर है यह किनकी रचना है तो फ्रेंड्स यह रचना जो है राष्ट्रकवि दिनकर जी की है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की है उसके बाद देखिए इसमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है एक तरफ रेखीय गति है और एक तरफ घूर्णन गति दिया गया है तो बताइए अच्छा है। है? उसी प्रकार घूर्णन की गति में कार्य करता है जिस प्रकार रैखिक गति में द्रव्यमान क्लियर जड़त्व आघूर्ण क्या होता है तो आई इक्वल टू जड़ आगुण क्या होता है मास क्स की दूरी यानी कि आर स्क्वायर आई आईक्वल टू क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर होता है ठीक है ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए एक जूल कितना होता है तो एक जूल बराबर एक न्यूटन गुना एक मीटर होता है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा ठीक है चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि एक वाट बराबर कितना होता है तो एक वाट बराबर जो होता है वो होता है एक जूल बटा सेकेंड ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होगा तो आप सभी को पता है अनंत पर जो वस्तु है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर बनता है कहाँ फोकस पर ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी दिया है राइट आंसर है दाब का फॉर्मूला तो दाब बराबर उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल होता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठीक है ध्यान रखिएगा प्रेशर इक्वल टू क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है ठीक है तो उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल बल बटा क्षेत्रफल ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और दाब का मात्रक आप सभी को पता है क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है जिसको कि पास्कल कहा जाता है ठीक है चलिए एक स्थैतिक आवेश उत्पन्न करता है फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को अगर आपने अब तक नहीं लाइक किया है तो लाइक कर दीजिए और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा एक स्थैतिक आवेश उत्पन्न करता है तो यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है ध्यान रखिएगा एक स्थैतिक आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा एक स्थैतिक आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है ठीक चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और वीडियो के लास्ट में आपको स्कोर कमेंट करके बताना है न्यूटन के शीतलन नियम का पूर्ण पालन होता है जब वस्तु एवं वातावरण के बीच तापांतर होता है कितना तो 10 डिग्री से कम ध्यान रखिएगा 10 डिग्री से कम ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा वीडियो के लास्ट में आप सभी को अपने स्कोर कमेंट करना है एक सरल आवर्त गति के आवर्त गति करते कण की स्थिति ऊर्जा जबकि कण अपने आयाम से आधी दूरी पर है होगी इक्वल टू कुल ऊर्जा अगर है तो तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 1/4e ठीक है ध्यान रखिएगा एक बट्टा चार ई होगा अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन मैथ का है फ्रेंड्स देखिए एक कालीन जो है सबसे पहले कालीन मैं यहां बना देता हूं ठीक अब कह रहा है कि पांच सेंटीमीटर लंबा है चलिए पांच पांच मीटर ध्यान रखिएगा और वन पॉइंट टू मीटर चौड़ा है क्लियर अब क्या कह रहा है कि इसके चार किनारों पर तीस सेंटीमीटर चौड़ा छापा हुआ बॉर्डर लगता है यानी कि सभी किनारों पर ठीक है यहाँ मैं सभी किनारे बना देता हूँ कितना तो तीस सेंटीमीटर तो इसको मीटर में बदल देंगे तो डिवाइड बाई हंड्रेड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट थ्री मीटर हो जाएगा इतना जो दूरी है ये कितना हो गया जीरो पॉइंट थ्री मीटर हो गया डायग्राम अब आपके दिमाग में हो गया अब देखिए क्या है कि बॉर्डर के साथ पूरे कालीन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बॉर्डर के साथ तो बॉर्डर के साथ कितना हो जाएगा पाँच गुना एक बटा पाँच गुना एक पॉइंट टू तो इसको गुना कर दीजिए लंबाई गुना चौड़ाई होता है तो छः मीटर हो जाएगा छः मीटर हो जाएगा स्क्वायर ठीक है उसके बाद बिना बॉर्डर के साथ कालीन का क्षेत्रफल तो बिना बॉर्डर के साथ कैसे निकालेंगे आप तो सबसे पहले माइनस कर दीजिए आप जीरो पॉइंट सिक्स ठीक है फाइव माइनस जीरो पॉइंट सिक्स कर दीजिए देखिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ आप लोग अब निकाल लेंगे ठीक है इसमें से माइनस कर दीजिए और बॉर्डर का क्षेत्रफल आप लोग जो है दोनों के क्षेत्रफल में से घटा दीजिए छः मीटर स्क्वायर आया था और अब बिना बॉर्डर के साथ कालीन का क्षेत्रफल जो है टू पॉइंट फोर सिक्स मीटर आएगा इसको आप लोग घटा लीजिएगा तो आपको ये निकल के आ जाएगा और इसमें जो है आप मल्टीप्लाई कर दीजिए थ्री पॉइंट थ्री सिक्स दो निकल के आएगा और यहाँ दो दो, दो सौ पच्चीस रुपये प्रति वर्ग मीटर दिया हुआ है तो आंसर सात सौ छप्पन रुपये निकल के आ जाएगा ठीक है चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा उसके बाद देखिए सचिन तेंदुलकर ने दस में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ये आंकड़ा दिया हुआ है रन बनाया है माद निकालना है तो क्या निकालिएगा सभी को जोड़ दीजिए और बटा जितना संख्या है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस बटा कर दीजिएगा आंसर दो बटा पाँच आ जाएगा अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि पंद्रह लोग चौबीस दिनों में एक दीवार बना सकते हैं पंद्रह लोग चौबीस दिनों में एक दीवार बना सकते हैं इन्हीं की तुलना में आधे कुशल चौबीस लोग आधे कुशल ध्यान रखना है आधे कुशल चौबीस लोग यानी कि अगर कुशल लोगों की बात करें तो कितने हो जाएंगे बारह लोग हो जाएंगे ना आधे कुशल है पूरा कुशल बारह हो जाएगा उसके बाद देखिए कितने दिनों में एक्स कर लीजिए चार बटा पाँच भाग काम करेंगे तो चार बटा पाँच कर दीजिए यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लीजिएगा एक्स का वैल्यू जो निकल के आ जाएगा चौबीस आ जाएगा क्लियर है सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है चौबीस करेक्ट आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दो बटा तीन को किसी भिन्न को जोड़ने पर पाँच बटा चार प्राप्त होता है वह भिन्न क्या है तो दो बटा तीन को क्या जोड़ना है किसी भिन्न को जोड़ना है तो कितना प्राप्त होता है पाँच बटा चार प्राप्त होता है ठीक है अब यहाँ से x का मान निकालना है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा पाँच बटा चार और ये इधर जाएगा तो माइनस दो बट्टा तीन हो जाएगा इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इतना तो आएगा ना सात बटा बारह आंसर निकल के x का आ जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि अट्ठारह प्रतिशत हानि सबसे पहले आप मान लीजिए कि अट्ठारह प्रतिशत हानि और सत्रह प्रतिशत के लाभ के बीच का अंतर तिरसठ है वस्तु का क्रैमुल सबसे पहले आप क्रैमुल सौ मान लीजिए अगर सौ है तो हानि अठारह है यानी कि विक्रयमूल कितना हो जाएगा विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा बताइए बयासी अब लाभ सत्रह है तो ये कितना हो जाएगा एक सौ सत्रह क्लियर हो गया अब देखिए दोनों के बीच अंतर कितना है एक सौ सत्रह और बयासी के बीच पैंतीस यूनिट का कितना है पैंतीस यूनिट का पैंतीस यूनिट का पैंतीस यूनिट अगर आपको है तो दोनों का अंतर कितना है तिरसठ रुपया है अगर सौ यूनिट होगा तो सौ यूनिट होगा तो, तो कितना हो जाएगा एक यूनिट पर निकाल लीजिए कितना हो जाएगा तिरसठ बटा पैंतीस सौ यूनिट पर निकालना है तो गुना सौ कर दीजिए राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा एक सौ अस्सी रुपये इसको सॉल्व कर लीजिए एक सौ अस्सी रुपया निकल के आ जाएगा कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए sin x plus cos x √ अंडर 6 sin x तो tan x का मान निकालना है बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोनों तरफ आपको cos x से डिवाइड कर देना है किससे cos x सब में cos x से डिवाइड कर दीजिए क्लियर अब देखिए sin थीटा बटा sin x बत, cos x सबको x से डिवाइड कर दीजिए थी, ठीक है तो ये tan x हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा ये देखिए cos x cos x कट जाएगा तो 1 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट अंडर सिक्स साइन एक्स बटा कितना कॉस एक्स हो जाएगा ना तो ये सीधे टेन एक्स हो जाएगा रूट अंडर सिक्स टेन एक्स ठीक है अब आपको क्या करना है यहाँ देख लीजिए अब आपको करना क्या है भाई तो आप सबको एक तरफ कर दीजिए तो देखिए कितना हो जाएगा ये आप ध्यान रखिएगा देखिए अब क्या हो जाएगा देखिए रूट अंडर सिक्स टेन एक्स माइनस उधर आएगा टेन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा वन हो गया हो गया ना अब यहाँ से आप टेन एक्स निकालिएगा कॉमन ले लीजिए टेन एक्स कॉमन है तो टेन एक्स अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो रूट अंडर सिक्स माइनस वन इक्वल टू वन अब ऊपर आ जाइए टेन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा अब यहाँ से ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे एक बट्टा रूट अंडर सिक्स माइनस वन आ जाएगा ठीक है इसको रैशनलाइज कर दीजिए दोनों तरफ कितना से रूट अंडर सिक्स प्लस वन से रूट अंडर सिक्स प्लस वन से सॉल्व कर दीजिएगा आंसर निकल के रूट अंडर सिक्स प्लस वन बटा पाँच आ जाएगा ठीक है चलिए थोड़ा सा आप भी कलम चलाइए सब मैं ही बता दूंगा तो फिर आप क्या एफर्ट लगाएंगे तो मैं तरीका बता दे रहा हूं आप लोग सॉल्व करते चलिए लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का मौसा लौसा दिया हुआ है यदि इनमें से एक संख्या है तो दूसरी संख्या आपको पता है फॉर्मूला एक संख्या गुना दूसरी संख्या बटा लौसा गुना मौस ठीक है एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लौस गुना मौसा तो एक संख्या गुना दूसरी संख्या एक मिनट एक मिनट देखिए लस गुना मसद यह एक संख्या गुना दूसरी संख्या x मान लीजिए दूसरी संख्या निकालना है गुना लस गुना मस या मस गुना लस कह सकते हैं जो भी अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा x का वैल्यू निकल जाएगा ठीक है x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स 203 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक सामान्य बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग दिया हुआ है बहुभुज में कितने विकर्ण हैं तो फॉर्मूला क्या होता है बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग जो है कितना दिया हुआ है चौदह सौ चालीस है तो बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है एन माइनस टू एन जो है क्या है साइड है नंबर ऑफ साइड भूजा गुना एक सौ अस्सी इक्वल टू दिया हुआ कितना चौदह सौ चालीस क्लियर है भाई चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा एन माइनस टू इक्वल टू कितना हो जाएगा चौदह सौ चालीस बटा में चला जाएगा एक सौ अस्सी इसको सॉल्व कर लीजिए एन निकल के कितना आ जाएगा एन निकल के दस आ जाएगा इसको सॉल्व कीजिए देखिए एन निकल के कितना आ जाएगा दस आ जाएगा ठीक है उसके बाद आपसे पूछा क्या गया है कितने विकर्ण है तो विकर्ण का फॉर्मूला भूजा दस है विकर्ण की फॉर्मूला क्या हो जाएगा एन इन टू एन माइनस थ्री बटा टू ये विकर्ण का फॉर्मूला है तो एन अभी हमने निकाला है दस तो दस दस माइनस तीन कितना हो जाएगा सात बटा दो दो पचे दस सात पचे कितना पैंतीस हो गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है इसके एक विकर्ण की लंबाई है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करना है क्लियर है फ्रेंड्स तो देखिए इसका आंसर आप लोग निकालिएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है एक बटा दो क्या होता है गुना एक विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण ये होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला तीन सौ चौबीस क्षेत्रफल दिया हुआ है एक विकर्ण दिया हुआ यह है यहाँ से आप दूसरा विकर्ण निकाल लेंगे दूसरा विकर्ण कितना निकल के आ जाएगा अठारह आ जाएगा ठीक है उसके बाद प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी तो आप सभी को पता है फॉर्मूला रूट अंडर देखिए एक बुझा अठारह के स्क्वायर कर दीजिए ठीक है उसके बाद दूसरा कितना है नौ निकल के आ जाएगा नौ के स्क्वायर कर दीजिए क्लियर है उसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो राइट right आंसर निकल के आ जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा तीन सौ चौबीस प्लस इक्यासी तो कितना रूट अंडर चार सौ पाँच आ जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो राइट आंसर निकल के आ जाएगा रूट अंडर नाइन नाइन रूट अंडर फाइव सेंटीमीटर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए प्लस वन अपॉन ए इक्वल टू आठ दिया हुआ है तो ए क्यू प्लस वन अपॉन ए क्यू का मान क्या होगा तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है है ना क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है आपको ए क्यू कर क्यू से दोनों तरफ कर देना दोनों तरफ क्यू से कर दीजिए तो कितना निकल के आ जाएगा ये करके देखिए अब इसका फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू प्लस वन अपॉन ए का होल क्यू एक मिनट हाँ देखिए इसमें करना क्या आपको ए प्लस वन अपॉन इक्वल टू एट दिया हुआ है ठीक है अब क्या कीजिए आप देखिए सब तरफ आपको करना 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 क्या क्या है करना है क्या करना है करना है क्यूब क्यूब तो देखिए ए क्यू वन अपन ए क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा वन अपन ए अपन ए प्लस वन अपन ए का होल क्यूब माइनस थ्री इंटू ए इंटू वन अपन ए और इधर क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा तो ए प्लस वन अपन ए हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको ए प्लस ए क्यूब यहाँ दिया हुआ है ये ठीक है कितना मान दिया हुआ आठ दिया हुआ तो आठ का क्यूब कर देंगे माइनस थ्री फॉर्मूला में था ए इंटू वन अपन ए आठ दिया हुआ है दिया हुआ है ना तो यहाँ पर आठ लिख देंगे क्लियर और ये ए से ए कट जाएगा जो फॉर्मूले में था ना थ्री इंटू ए इंटू वन अपॉन ए तो देखिए ए से ए कट जाएगा तो थ्री बच गया और ए प्लस अंदर क्या था ए प्लस वन अपन ए था तो ये आठ दिया हुआ है यहाँ पे तो आप आसानी से निकालेंगे आठ का क्यूब कर दीजिए तो आठ का क्यूब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा पाँच सौ बारह आ जाएगा और आठ तिर का चौबीस हो जाएगा राइट आंसर चार सौ अठासी आ जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लेखक ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये सारे प्रश्न राइट आंसर क्या हो जाएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक लेखक रूसो हैं वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी तो वियतनाम युद्ध की जो समाप्ति हुई थी ये राष्ट्रपति निक्सन के समय हुई थी किसके समय निक्सन के समय ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर अमेरिका उन्नीस चो, से ही जो है दक्षिण वियतनामी सरकार को आर्थिक एवं सैनिक सहायता दे रही थी क्लियर चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था तो गोत्र शब्द का प्रयोग जो है ऋग्वेद में कहाँ ऋग्वेद में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्यान रखिएगा उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक क्या है त्रिपिटक जो है एक बौद्ध साहित्य है क्या है बौद्ध साहित्य है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्लियर चलिए अगला क्वेश्चन है कि सारनाथ का निर्माण कराया था तो किसने करवाया था अशोक ने करवाया था ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है उसके बाद पूछा जाता है साची का स्तूप का निर्माण तो ये भी अशोक ने करवाया था नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सूची एक को सूची दो से मिलान करना है और राइट आंसर इसमें से चुनना है नामदेव जो थे ये किसके थे तो दर्जी कबीर जो थे ये व्यवसाय एक तरफ दिया हुआ है कबीर जो थे ये जुलाहा थे आप सभी को पता है रविदास जो थे ये मोची थे और सेन जो थे ये क्या थे नाई थे तो मिला लीजिएगा राइट आंसर मैंने मिला के आपको बता दिया ऑप्शन बी हो जाएगा उसके बाद देखिए भारत का पहला समाचार पत्र कौन था मैंने पढ़ाया है सत्रह सौ अस्सी ईस्वी में सत्रह सौ अस्सी ईस्वी में जेम्स अगस्तस हिक्की के द्वारा अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि, कि कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदी कॉलेज हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की कि थी तो 1817 में कोलकाता में 1817 में कोलकाता में प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर की सहायता से किसके डेविड हेयर की सहायता से राजा राम मोहन राय ने कब तो 1817 में ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से किसे बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट कहा था राइट आंसर क्या हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर तो के रहूंगा ये उन्नीस सौ के लखनऊ में यह आयोजन किया गया था इस अधिवेशन का उन्नीस ठीक है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसी अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी से मिले थे कौन राजकुमार शुक्ल लखनऊ में और उन्हें चंपारण आने के लिए निमंत्रण दिया था चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो है ये शोभ मंडल में होता है ठीक है पृथ्वी के सबसे निचले परत को शोभ मंडल कहा जाता है याद रखिएगा तो शोभ मंडल हो जाएगा ट्रोपोस्फियर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी में भी आपको नाम याद रखना कभी कभी सीधे ट्रोपोस्फियर दे दिया रहेगा मिजोस्फियर दे दिया रहेगा स्टेटोस्फियर दे दिया रहेगा आइनोस्फियर दे दिया रहेगा तो हिंदी में खास साथ अंग्रेजी में भी ध्यान रखिएगा चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत में कौन सी खाद फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा तो अप्रैल में काटी जाती है तो आप सभी को पता है ये रबी की फसल है तो गेहूं है ऑप्शन नंबर डी पाक जल डम्बरू मध निम्स से किसको अलग करता है तो भारत और श्रीलंका को ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा पाक जलडमरू मध ध्यान रखिएगा बंगाल की खाड़ी और मनार की खाड़ी को जोड़ता है भारत और श्रीलंका को अलग करता है अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत में उस कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं तो फ्रेंड्स यह केरल में पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा केरल में ठीक है उसके बाद देखिए भारत में निम्न में से वह कौन सा वन्य जंतु अभ्यारण है जहां गेंडे की संरक्षण की परियोजना चल रही है तो कौन हो जाएगा ये काजीरंगा ठीक है असम में है ध्यान रखिएगा पेरियार केरल में है बांदीपुर कर्नाटक में है गिर जो है गुजरात में है आबू पहाड़ियों पर गुरु शिखर यानी कि माउंट आबू की बात हो रही है किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है तो अरावली की है आप सभी को पता है अरावली की ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन केटू है ठीक है दक्षिण भारत का पूछे तो अनायुदी है ठीक है चलिए तो राइट आंसर गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है आप सभी को पता है उसके बाद है कि तांबा यस्को के लिए विख्यात खेतड़ी ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है तो खेतड़ी जो है राजस्थान में है और किस लिए फेमस है तो तांबा यश के लिए यह बात ध्यान रखना है खेतड़ी जो है तांबा यश के लिए फेमस है कहाँ राजस्थान में विली विली का अभिप्राय क्या है विली विली क्या है तो विली विली जो है ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्ण चक्रवात को कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्ण चक्रवात को विली विली कहा जाता है ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अधिकेंद्र

अगला क्वेश्चन देखिए विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है तो केवल छः महीने तक छः महीने के अंदर किसी न किसी सदन का उसको सदस्य बनना अनिवार्य है अन्यथा उसे अपने मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर कोई कैबिनेट मिनिस्टर हो या फिर कोई स्टेट का मिनिस्टर हो ये सब पे लागू होता है उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है चयन करें तो कार्यपालिका का अंग कौन सा है बताइए उप निरीक्षक पुलिस है कौन जो विकल्प में दिया गया है इसमें उप निरीक्षक पुलिस है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ठीक है आर्टिकल पचास जो है आर्टिकल पचास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है इसमें जो है न्यायपालिका का कार्यपालिका से विधायिका से पृथ्वीकरण किया गया है उसके बाद देखिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है लोकसभा में दो और राज्यसभा में बारह ठीक है ध्यान रखिएगा तो एंग्लो इंडियो जो है एंग्लो इंडियो एंग्लो इंडियन इनको लोकसभा में मनोनीत किया जाता है और कला साहित्य खेल ये सारे पत्रकारिता के क्षेत्र में जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं बारह व्यक्तियों है, को राज्यसभा में भारत के किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है तो देखिए आप लोग बताइए हरियाणा और पंजाब के लिए ऑप्शन में जो दिया हुआ है हरियाणा और पंजाब के लिए जो कि कहाँ है चंडीगढ़ में ध्यान रखिएगा हरियाणा और पंजाब राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय है पच्चीस है वर्तमान में सबसे नया जो बना है वह अमरावती आंध्र प्रदेश में बना है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी तो आप सभी को पता है यह जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत ठीक है हिंदी में इसको मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना कहा जाता है ध्यान रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर पूछा जाए आपसे कि सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग करने वाले भारतीय कौन थे तो एम एन रॉय थे यानी कि मानवेंद्र नाथ रॉय ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है तो कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना किसका दायित्व तो बनता है तो प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा जो है यह किसका दायित्व है तो यह सरकार का ठीक है गवर्नमेंट का है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता है तो मूल विशेषता जो है उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होना जैसे कि अभी वर्तमान की गवर्नमेंट कर रही है निजीकरण प्राइवेटाइजेशन ठीक है चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंबानी और अडानी का हो जाएगा सब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यू का मुख्यालय किस नगर में स्थित है तो आप सभी को पता है जेनेवा में है जेनेमा में ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना सात अप्रैल सात अप्रैल उन्नीस सौ अड़तालीस को हुई थी वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है ध्यान रखिएगा ट्रेडरोस यहाँ मैं लिख देता हूँ अधनोम नोम ठीक है ये कहाँ के हैं इथोपिया के हैं तो देश भी याद रखिएगा उसके बाद देखिए नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है तो नबार्ड का मुख्य कार्य जो है यह ग्रामीण साख संचालन करना है कृषि क्षेत्र का सर्वोच्च संगठन है इसका स्थापना 12 जुलाई उन्नीस सौ बयासी ईस्वी को हुई थी और इस वर्तमान में नबार्ड के चेयरमैन कौन है गोविंदा राजालू चिंताला ठीक है ध्यान रखिएगा चलिए इससे पहले हर्ष कुमार भानवाला थे तो राइट आंसर इसका ग्रामीण साख संचालन हो जाएगा खाली स्थान है दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है तो बल जो है दो वस्तुओं के मध्य परस्पर की क्रिया होती है बल राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा बल का ऐसा ही मात्र न्यूटन होता है बल सदिश राशि है ठीक है एफ इक्वल टू यानी कि बल इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सलरेशन यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारीदार पेशियाँ खाली स्थान हो, है होती हैं तो धारीदार पेशियाँ जो होती हैं यह बहुनाभिक होती हैं बहु नाभिक केसीएल ठीक है पोटेशियम क्लोराइड के जीरो पॉइंट फाइव मॉल में कितने अणु होते हैं जीरो पॉइंट फाइव पूछ रहा है तो ध्यान रखिएगा सिक्स देखिए किसी भी जीरो पॉइंट फाइव मॉल की संख्या अगर निकालें तो सबसे पहले के सी एल के एक मोल में कितना होता है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू गुना टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री अनु होता है अब आसमें से पूछा जा रहा है ठीक है के सी एल के एक मोल में होता है अब से आधा मोल में पूछा जा रहा है तो आधे मोल के लिए इसमें इस कितना मल्टीप्लाई करना है हैं जीरो पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर निकल के आ जाएगा थ्री पॉइंट जीरो जीरो वन गुना दस के पावर तेईस ठीक है राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है तो आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम पर आधारित है ठीक है आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था हेनरी मोसले ने कब 1913 में ध्यान रखिएगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तत्वों के परमाणु संख्या वहीं अगर मेंडलिप का पूछा जाता तो परमाणु द्रव्यमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ब्रिदेश्वर मंदिर कहाँ है तो यह तंजावुर तमिलनाडु में है ठीक है तंजावुर जो है तमिलनाडु में है चोल वंश की राजधानी थी और वृद्धेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है ठीक है इसका निर्माण किसने करवाया था तो राज, राज प्रथम ने करवाया था राज, राज प्रथम ने चोल वंश का शासक था ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको एग्जाम तक निश्चिंत रहिए चैनल से जुड़े रहिए वीडियो को बस लाइक करना है और शेयर करना है ताकि मैं मोटिवेट हूँ आपके लिए देखिए मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है तो यह ईस्ट में होता है इसमें होता है ऑप्शन में जो दिया गया है ईस्ट में होता है ध्यान रखिएगा काफी अच्छा क्वेश्चन है ठीक है चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग निसंस्क्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में होता है तो किसका प्रयोग होता है भाई सी ए ओ सी एल टू और सी ए सी एल टू है क्या बताइए ये ब्लीचिंग पाउडर है विरंजक चूर्ण है फॉर्मूला याद रखिएगा हड़ताल में कौन सा लिंग है बताइए मने में सोचिए उच्चारण कीजिए सेंटेंस चलेगा हड़ताल टूट गई हड़ताल भंग हो गई ठीक है तो ये स्त्रीलिंग है ऑप्शन नंबर बी आ, राइट आंसर इसका हो जाए एक मिनट हाँ राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि परिमाण बोधक बोधक का विशेषण क्या है इसमें से परिणाम तो राइट आंसर क्या हो जाएगा एक मिनट चीख में पूछा जा रहा है कि कौन सा लिंग है तो चीख में कौन सा लिंग है फ्रेंड्स स्त्रीलिंग है उनकी चीख काफी तेज थी तो इसमें स्त्रीलिंग ये भी हो जाएगा परिणाम बोधक बोधक विशेषण कौन सा है तो परिणाम बोधक बोधक विशेषण जो है यह कौन सा है बहुत सा इसमें से है क्या है बहुत सा परिणाम बता रहा है ना बहुत सा ठीक है उसके बाद लाभालाभ का विग्रह क्या होगा लाभालाभ का लाभ या अलाभ से मिलकर के बना हुआ है ठीक है लाभ या अलाभ से तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाभ या अलाभ लाभालाभ उसके बाद देखिए अड़ियल टट्टू मुहावरे का अर्थ क्या होता है अड़ियल टट्टू का अर्थ हट्ठी होता है अडिग होता है हट्ठी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उसके बाद देखिए के एक के जी द्रव्यमान की किसी वस्तु की चाल खाली स्थान दिया गया तो उसकी गति ऊर्जा एक जूल होगी तो यदि एक के जी द्रव्यमान की वस्तु की चाल जीरो पॉइंट वन फोर मीटर सेकंड हो तो उसकी गति ऊर्जा एक होगी ठीक है करके आप लोग देख लीजिए यहाँ पर हाफ एम बी स्क्वायर ठीक है फ्रेंड्स एक ज़ुल दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी एक जुल हो जाएगा ठीक है उसके बाद मास एक के जी दिया हुआ था मास कितना हो जाएगा एक के जी हो जाएगा ठीक है आपको वेलोसिटी निकालना है तो ये आप रूट अंडर चला जाएगा ना जब कीजिएगा तो वन पॉइंट फोर मीटर पर सेकंड हो जाएगा धातुएँ खाली स्थान में पाई जाती हैं धातुए जो हैं यह पट्टी में पाई जाती हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं भूपरपट्टी कहते हैं ठीक है भूपरपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है तथा तो तो दूसरे स्थान पर सिलिकॉन है चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि खाली स्थान है एक चतुष्परमाणु यानी कि टेट्राहेड्रल तत्व इनमें से कौन सा है तो टेट्राहेड्रल जो है ये फॉस्फोरस है क्या है फॉस्फोरस पी होता है आप सभी को पता है इसका सूत्र ठीक है फॉस्फोरस का संकेत जो है ये पी से इसका सिम्बॉल होता है क्लियर परमाणु संख्या पंद्रह होता है एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास पूछा जाए तो इकतीस होता है ध्यान रखिएगा सल्फर का क्या होता है एस एट होता है एस एट परमाणु फास्फोरस का पी फोर तो फास्फोरस हो जाएगा उसके बाद देखिए विस्थापन के परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है तो आप सभी को पता है इसको वेग कहा जाता है वेग का मीटर पर सेकेंड होता है यूनिट ध्यान रखिएगा मात्रक उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि परावर्ती किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं होता है तो फ्रेंड्स ये वास्तविक होता है क्या होता है वास्तविक होता है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा न्यूलैंड्स ने खाली स्थान तो का नियम दिया था तो न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम दिया था अष्टक का नियम आवर्त सारणी जब आपने पढ़ा होगा तो न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया था ठीक है ध्यान रखिएगा राइट आंसर अष्टक हो जाएगा ऑक्टिव आपने पढ़ा होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है कि पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं पेशी उत्तक जो है यह तीन प्रकार के होते हैं ऐच्छिक उत्तक अनैक्षिक उत्तक और हृदय उत्तक ठीक है ऐच्छिक अनैक्षिक और हृदय उत्तक तीन प्रकार के होते हैं उसके बाद तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है तो ये क्या होता है तेज बुखार में किसका प्रयोग किया जाता है ज्वर हर को जिसको कि ज्वर मतलब बुखार होता है हर मतलब हरने वाला ठीक है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा पैरासीटामोल फीवर नाशक दवा है आप सभी को पता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मानसरोवर झील कहाँ स्थित है मानसरोवर झील जो है यह कहाँ है तिब्बत में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ध्यान रखिएगा उसके बाद देखिए भारत के में किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था तो ये शिव समुद्रम पर कहाँ शिव समुद्रम पर लगाया गया था ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और कब लगाया गया था तो 1902 में अगला क्वेश्चन देखिए देशों की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है स्वतः कृषि यानी कि अपने आप कृषि योग्य हो जाता है तो कपास की जो मिट्टी होती है काली मिट्टी इसी को रेगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है रेगुर मिट्टी के नाम से यानी कि काली मिट्टी कपास की मिट्टी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसके बाद देखिए भारत में जनसंख्या की त्वृत् वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है तो इसका कारक है उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देखिए जब जन्म दर बढ़ जाएगा और लोग की मृत्यु जब कम हो जाएगी तो सीधी सी बात है जनसंख्या में वृद्धि होगी कि नहीं होगी लोग मर ही नहीं रहे हैं पीछे से लोग बढ़ते जा रहे हैं भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन एवं स्टील निर्माण निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है तो जमशेदपुर जो है भारत में आयरन और स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है ठीक है भिलाई दुर्गापुर बोकारो ये सारे जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जमशेदपुर हो जाएगा वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है ठीक है तो इसको क्या मापा जाता है इसको मापा जाता है स्थिर दामों पर ठीक है फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को चालू मूल्यों और स्थिर मूल्यों पर मापा जाता है तो चालू मूल्य नहीं दिया हुआ स्थिर मूल्य दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा खाली स्थान है कि वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है तो क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ ठीक है ठोस द्वारा डाले गए दबाव के क्षेत्र में कमी आती है सिनोनियम ऑफ सौरव यानी कि सौरव का आपको समान अर्थी शब्द बताना है हिंदी में कहें तो सौरव मतलब दुख होता है रिगरेट का मतलब ही दुख होता है रिगरेट ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा एंटोनियम ऑफ एक्सेप्ट विलोम शब्द बताना एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना होता है और रिजेक्ट मतलब अस्वीकार करना होता है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चूज द करेक्ट सेंटेंस इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट लिखा हुआ है तो राइट आंसर देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ही फ्रॉम लग्जरीज ठीक है परहेज करना होता है का मतलब और लग्जरी मतलब तो आप लोग समझते ही हैं तो ये करेक्ट लिखा हुआ है उसके बाद देखिए चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एडियम एक्सटेंड बाई स्टैंड बाई का मतलब क्या होता है समर्थन करना सहायता करना ठीक है तो क्या हो जाएगा बताइए सपोर्ट ठीक है ऑप्शन नंबर सी उसके बाद देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कॉम्बिनेशन बताइए क्या हो जाएगा सही कॉम्बिनेशन है सी वर्क लेट सो सी फेल्ट टायर्ड वह बहुत देर तक काम करती है किया था ठीक है काम किया इसीलिए वह थका हुआ महसूस कर रही है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा तो फ्रेंड्स सौ क्वेश्चन हमने